हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपने बात करेंगे क्लास सेवन्थ की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है, तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। इसमें जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द ड्राइविंग ए टू बी शो, है ना। तो ये जो ए और ये जो ड्राइंग है ना, ये दे रखी है अपने को ए बी एंड सी, ये क्या अपने को शो करनी है, दिखाना है अपने को। ठीक है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपको सुनना ध्यान से, ये क्लियर करके इसमें देखना। जैसे मेरे पास में एक शेप है, ठीक है, इसको मैंने फोर पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब इसमें टोटल कितना है, टोटल है 1 2 3 4, यानी टोटल फोर है इसमें। फोर में से मान लीजिए मैं वन बॉक्स को फिल कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब यानी टोटल फोर में से फिल कितना है, यानी आया कितना, तो वन इसमें फिल है, यानी फोर में से वन फिल है, तो 1/4 इस डायग्राम का मतलब होगा। ठीक है, अब इसमें देखना ध्यान से, आगे एक डायग्राम और बनाते हैं अपने। इसे मान लीजिए मेरे पास ये डायग्राम है, इसमें मैं टू बॉक्स को फिल करता हूँ, ठीक है, टोटल सिक्स बॉक्स है, इसमें टू को मैंने फिल कर दिया, इसका मतलब ना टू फिल है, टू सिक्स में से, ठीक है, सिक्स में से कितने फिल है, टू फिल है। ठीक है, और ये आगे कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6, यानी 1/3 इसका मतलब हो गया। 1/3 बोल दो या 2/6 बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें देखना ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये जो ए है अपना, ठीक है ना, ए करवा लूँगा आपको। ए में मेरे को दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है। अब नीचे जो शेप दे रखी है अपने को ए बी सी डी, अब उनमें से उन शेप में इस नंबर को कौन सी शेप शो कर रही है, ठीक है ना, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो पहले तो आप देखिए 1/5 कहाँ है, जो लास्ट वाली शेप है ना डी वाली, इसमें देखो ध्यान से, ये दो शेप दे रखी हैं ऐसे राउंड में, देखना ध्यान से, ऐसे दो शेप दे रखी हैं। ठीक है, अब इनमें टोटल फाइव पार्ट बना रखे हैं ना, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये दो हैं, ठीक है, अब 1/5 की हैं क्या, ये देखना है ध्यान से। तो जो आगे वाली एक शेप है उसमें तो एक फिल कर रखा है इसने, लेकिन इसमें ये करना भूल गया था, ठीक है ना, तो इसमें भी आपको करना है डी में, ठीक है ना। तो ये भी टोटल कितना है इसमें, 1, टोटल जो कॉलम है 1/5 है, और फिल कितने हैं 1, ठीक है, और ऐसी ये दो शेप हैं, तो इसलिए मल्टीप्लाई में क्या आ गया 2, यानी 1/5 मल्टीप्लाई 2 बोल दूँ या 2 मल्टीप्लाई 1/5 बोल दूँ, ये मेरी बात सेम है, ठीक है ना। ऐसे अपने को ये करनी है, ऐसे देखनी है अपने को, ठीक है। तो ये ए जो है 1 जो है फर्स्ट, यानी 2 मल्टीप्लाई 1/5 ये मैच होगा डी के साथ में, ठीक है ना। डी डायग्राम जो है वो इस नंबर को शो कर रहा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए 2 1/2 2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी ये वाला देखो ध्यान से, ठीक है, यानी दो कॉलम होंगे और उनमें से वन कलर्ड होगा, ठीक है, दो कॉलम होंगे टोटल और वन कलर्ड होगा, ठीक है ना। तो ऐसा देखो आप ध्यान से कौन सी शेप है, और दो वो टोटल शेप होंगी, कितनी शेप होंगी, दो शेप होंगी, दो डायग्राम होंगे वो, ठीक है। यानी बी में देखना ध्यान से, बी में दो शेप हैं, ठीक है, हो गया, ये दो शेप हैं और 1/2 यानी टू कॉलम है, उनमें से वन फिल है, देख लो हर एक में देख लो, ठीक है ना। तो ऐसे अपने को ये करना है, ठीक है, ये अपना हो गया। नेक्स्ट जो है अपना, सिंपल पिक्चर आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो, ठीक है ना। अब आपको ये डायग्राम दे रखे हैं, तो आपको बताना है ये चीज़ें क्या शो कर रही है, ठीक है ना। फर्स्ट जो है 3 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है ना, तो टोटल कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 और 3/5 आएगा, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये वाला जो नंबर है वो कौन सी शेप शो कर रही है, तो फर्स्ट जो शेप है ना, नहीं फर्स्ट तो नहीं कर रही, इसमें कर रही है जो सी है, सी दे रखा, यानी ए बी सी तीन दे रखे हैं इसमें डायग्राम, ठीक है ना, यानी एक ए है फिर दूसरा बी है, सी नीचे जो दे रखा है अपने को लाइनिंग वाले, ये लाइनिंग वाले, ठीक है, इनमें ये पांच कॉलम दे रखे हैं, लेकिन वन इनमें फिल है वो करना भूल गया है, ठीक है ना।
आप जो सी में आपको जो पहले डायग्राम दे रखे हैं तीन, उनमें से आप तीनों में एक एक फिल करो, क्योंकि वन बाई फाइव का मतलब है फाइव कॉलम है टोटल, उनमें से वन फिल है और तीन शेप है टोटली, ठीक है। तो टोटल बन जाएगा 3/5, यानी आगे जो आंसर बनेगा इसका, सुनो मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, यानी ऐसे डायग्राम दे रखे, इसके जो डायग्राम है फाइव कॉलम टोटल बनाऊंगा मैं इसमें, 1 2 3, ठीक है बन गया 3 5 बन गया। एक कलर कर देता हूँ मैं, सभी में एक कलर है इसमें, ये करना भूल गया, ठीक है अपने वो कर देने कलर, ये 1 2 3 4 5, ठीक है अब 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब इक्वल में यानी टोटल फाइव है, टोटल फाइव है, फाइव में से कितने कलर हो गए, थ्री कलर हो गए ना, थ्री, तो जो इक्वल इसका आंसर बनेगा इस टोटल शेप का वो बनेगा अपना 1 कलर 2 कलर 3 कलर, टोटल कितने फाइव में से टोटल 3 कलर हो गए, ठीक है ना। चाहे ऊपर करो चाहे नीचे करो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको 3 कलर करनी है। इसका मतलब हुआ कि तीन शेप हैं ये टोटल, ये तीन शेप हैं, ठीक है, और ये 1/5 की हैं, ठीक है ना, फाइव में से इनमें 1 कलर है, तो टोटल बनेगा जो आंसर ऐसे देख लो, चाहे आप 3 बन जा 3/5, यानी आगे जो शेप बनेगी उसमें 3 कलर होंगे 5 में से, ठीक है। तो ऐसे अपने को ये शो करनी है, ये अब जो फर्स्ट है उसको डी के साथ ये मैच होगा, ठीक है, अब बाकी दोनों आपको कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। अब मतलब आपको ऐसे नंबर दे दिया कोई, ठीक है, तो आपको करना क्या, इनका मल्टीप्लाई 7 3 21 कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दो, अदरवाइज 7 3 21 अपॉन में 5 है, यानी ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं और नीचे वाले डिवाइड में, ठीक है ना। तो अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है, जब भी अपॉन में नंबर आ जाए, ये अपॉन में नंबर आ गया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना वेरी इजी है, यानी 21 को डिवाइड करना 5 से 5 1 जा 5 5 4 जा 20, ठीक है। अब दोबारा नहीं बताऊँगा इस चीज़ में, देखना ध्यान से कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं, ये बच्चों वाला खेल है, ये वन रिमाइंडर रह गया मेरा, ठीक है। तो जो अपना कोशेंट आता है उसको अपने कहाँ लिखना है, मैन, ठीक है ना, वो स्टार्टिंग में लिख देना, अपने को रिमाइंडर रहेगा वो यहाँ आ जाएगा, और जो डिवाइजर है अपना वो यहाँ आएगा, यानी 4 1/5 21/5 की मिक्स्ड फ्रैक्शन होगी, ठीक है ना, ऐसा बनेगा ये, ठीक है। डिवाइड देने के बाद में जो कोशेंट आए वो यहाँ रखना है अपने को ऊपर, फिर नीचे, सॉरी अपना जो कोशेंट आए वो अपने को मैन यहाँ रखना है, ठीक है, फिर जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे रखना है, और जो अपना डिवाइजर है वो नीचे यहाँ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब कोई भी नंबर हो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते हो आराम से, यानी 4 3/4 है, ठीक है। तो हाँ, नीचे वाले नंबर आपस में कैंसिल आउट, ऊपर नीचे जो नंबर होते हैं, यानी ये ऊपर का नंबर है, यानी मिडिल में जो नंबर होता है ना वो ऊपर का नंबर, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 3 और अपॉन में 4 है, ठीक है ना, ये अपॉन में नहीं जा सकता, ये ऊपर मल्टीप्लाई में होता है नंबर, ये अपने को ध्यान रखना है। तो 4 से 4 कट गया, यानी ऊपर नीचे वाले नंबर कैंसिल आउट हो सकते हैं, यानी इस नंबर को मैं इस नंबर के साथ काट सकता हूँ, क्योंकि ये ऊपर का नंबर है और ये नीचे का नंबर है, ठीक है, तो इनको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 4 से 4 गया, 3 बचा, यानी 3/1, और नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती तो मेरा आंसर आ गया 3, ठीक है। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख भी नहीं सकते क्योंकि ये सिंपल नंबर है, ठीक है, ऐसे अपने को ये करनी है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास में है 2 × 6 अपॉन में 7, ठीक है, यानी ये नंबर कैंसिल आउट तो हो रहे हैं लेकिन वो कैंसिल आउट कर नहीं सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आता है, लेकिन कैंसिल आउट अपने को करना नहीं है क्योंकि ऊपर जो नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई में होते हैं, ठीक है ना। तो 6 × 2 = 12 हो गया अपॉन में 7। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन में इनको लिख देना है डिवाइड करके, ठीक है, ये मेरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा सैड दे रखी है, सुनना ध्यान से, इनको अपने को करना है, देखना ध्यान से, ये बोल रहा है 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स, ठीक है। अब सुनना, 1/2, अब 1/2 का मतलब देखना ध्यान से, यानी दो में से, यानी जितने हैं उनमें से हाफ जो हैं वो फिल होंगे, जितने हैं उनमें से, वैसे तो मतलब ये बनता है इसका, देखना अपने, यानी 2 कॉलम और 1 कलर, चाहे ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला हो, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब कितनी बड़ी भी शेप हो उसमें हाफ फिल होंगे और हाफ फिल नहीं होंगे, ठीक है ना।
अब कोई भी शेप ले लो, मतलब 1/2 को कौन सी शेप से, अब मतलब मैं कोई शेप ले लूँ यहाँ मैं, ठीक है। अब मैं इन ये 3 मैंने क्या कर दिए फिल, यानी 3 थे टोटल, 6 थे, 6 में से 3 मैंने क्या कर दिए फिल कर दिए, यानी ये यहाँ 6 थे, ठीक है ना, टोटल कितने 6, ठीक है, फिल कितने हैं 3। इसका मतलब क्या बना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्योंकि ऊपर नीचे के, ऊपर नीचे के नंबर को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 1/2 इसका मतलब बना, ठीक है ना। यानी जहाँ टोटल में हाफ को अगर फिल किया गया है तो उनका मतलब 1/2 ही बनेगा, ठीक है ना, चाहे वो कितने भी नंबर हों, चाहे कितने भी उनमें कॉलम दिए हों, ठीक है ना। जैसे ए जो है उसमें टोटल, ए में देखना, ए से में टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दे रखे हैं, 12 में से 6 क्या है कलर्ड है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये लो 1/2 इसका मतलब बन गया, यानी 1 जो है वो ए के साथ मैच होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अपने को सारे करने हैं, ठीक है ना। अब जो सेकंड वाली शेप है उसमें टोटल 9 है, ठीक, 9 में से कितने कलर्ड हैं 3, तो ये क्या शो कर रही है, सॉरी 6 कलर्ड हैं, तो ऊपर नीचे के नंबर मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, लेकिन सेम टेबल से, ऐसी टेबल अपने को देखनी होगी जिससे 6 भी डिविजिबल हो और 9 भी, तो 3 ऐसी टेबल है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, यानी इसका मतलब ना सेकंड वाली शेप का मतलब ना 2/3, तो 2/3 सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो ये देख लो ध्यान से, ठीक है ना। ऐसे ही अपने को सी करना है तो आप कर लेना, ठीक है ना। फाइंड अपने को निकालना है 1/2 किसका, 24 का, अपने को फाइंड 5th नंबर जो क्वेश्चन है वो अपने कर रहे हैं, ठीक है ना। 5th नंबर क्वेश्चन देख लो ध्यान से, 1/2 यानी अपने को पार्ट निकालना है, ठीक है ना। यानी मैं बोल दूँ आप 100 का 1/2 निकालिए, यानी 1/2 का होता है, 1/2 का मतलब होता है आधा, यानी 100 का 1/2 निकालने का मतलब है आप इसका हाफ कीजिए, तो अपने को कौन सा पार्ट दे, मतलब कौन सा पार्ट निकालना दे, कोई सा दे चाहे, मतलब अपने को 3/5 दे दे या 1/2 दे दे, हाफ निकालना हो या 1/4 निकालना हो या 2/3 निकालना हो किसी नंबर का, तो अपने क्या करना है उसको मल्टीप्लाई ही करना होता है ना। जैसे मान लीजिए मेरे को 200 का हाफ निकालना है, यानी 1/2 ऑफ 100, यानी 100 का मेरे को क्या निकालना है, हाफ निकालना है, तो 100 को हाफ से मल्टीप्लाई ही करना है मेरे को, टू इसको मैंने डिवाइड किया, 2 1 जा 2 और इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, 50 आ रहा है, ठीक है ना, तो 50 1 जा 50 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे मल्टीप्लाई ही करना होता है। मान लीजिए मैं बोल दूँ 20 का 3/4 निकालिए, यानी 3/4 ऑफ 20 ये निकालना है मेरे को, तो 20 को मेरे को 3/4 से मल्टीप्लाई ही करना है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 4, 5 जा 20 और 5 3 जा 15, 15 मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे अपने को करनी, ठीक है, ये मेरा हो गया, ऐसे ही करने सारे आपको। अब ये बोल रहे हैं फर्स्ट 5th में, यानी 1/2 किसका निकालना है, 24 का भी निकालना है ए में, और बी एक और दे रखा है तो 46 का भी निकालना है, यानी पहले आप 1/2 24 का निकाल दो, हाफ ही निकालना है, 12 निकलेगा, और बाद में 1/2 ऑफ 46, 46 का निकाल दो, ठीक है ना, 23 निकलेगा, ठीक है ना, आ जाएगा। अभी ऐसे ही करने सारे आपको। नेक्स्ट मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज ए मिक्सड फ्रैक्शन, इनको मल्टीप्लाई करना है और मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। 3 × 5 1/5, ठीक है ना। अब ये 5 1/5 ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई तब होंगे जब ये साइन बीच में मल्टीप्लाई का आएगा, ठीक है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है, सुनना ध्यान से, 3 × 5 1/5। अब ये मिक्सड फ्रैक्शन में है तो पहले तो इसको सिंपल, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने, मिक्सड फ्रैक्शन ऐसे सिंप्लीफाई नहीं होगी, पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे अपने प्लस में करते हैं, मिक्सड फ्रैक्शन जहाँ भी दियो पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखते हैं, यानी 3 का 3 आ जाएगा, इसको सिंपल फ्रैक्शन बनाओ, 5 5 जा 25 और 1 26 अपॉन में क्या गया 5। अब आप इसको जैसे तैसे करके कैंसिल आउट करके इनको मिक्सड फ्रैक्शन में बना सकते हो, ये जो पहले अपना 3rd क्वेश्चन था एज इट इज़ वैसा का वैसा ये बन गया, ठीक है ना। अगर ये कैंसिल आउट हो तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। यानी अगर आपको कैंसिल आउट करना नहीं आता, मान लीजिए वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता तो आप इन नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, 5 6 30, 30 को फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब निकालना है अपने को फाइंड 1/2 निकालना है किसका, 1/2 निकालना है आपको 2 and 3/4 का। तो मैंने बोला जिसका भी अपने को ऑफ, मतलब ऑफ निकालना हो, 1/2 ऑफ किसी नंबर का हाफ निकालना हो, तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई, जिस भी नंबर का आपको हाफ निकालना है या 3/4 निकालना है, उस उन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना।
तो 1/2 को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर होगा, यानी आपको 1/2 का क्या निकालना है, पहले सेवन्थ क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, सेवन्थ क्वेश्चन उसमें 1/2 दे रखा है, 1/2 निकालना है अपने को, फर्स्ट में दे रखा है 1/2 निकालना है, किस किस का, एक तो 2 3/4 का निकालना है, एक अपने को निकालना है बी में, दोनों का 1/2 ही निकालना है दोनों का, ठीक है ना। तो आप पहले ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इनको सिंपल फ्रैक्शन बना दिए, पहले मैं ये करता हूँ, ठीक है ना। 1/2 निकाल रहा हूँ इस नंबर का, ठीक है, तो 2 4 8 और 3 11 11/4, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 11/4, ठीक है ना, ये निकल गया 1/2 11/4 का, 11 बन जाए 11 और 4 2 8, ठीक है, ये निकल गया, हो गया मेरा आंसर, आ गया इक्वल लगा के लिखना आंसर, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब बनेगा अपने 11/8। अब ऐसे ही आपको इसका निकाल देना है, यानी 1/2 निकालना है किसका, 4 2/9 का, पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में बनाना, फिर क्या करना है आपको निकालना है 1/2 ऑफ 4 2/9, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। चाहे कुछ भी निकालना हो, 5/8 निकालना हो, 3/8 निकालना हो, तो उन दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। एट चूस में देखना क्या दे रखा है, विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, एक पिकनिक पर गए, देयर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल दैट कंटेंट 5 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है ना। विद्या कंज्यूम्ड 2/5 ऑफ द वाटर, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि विद्या और प्रताप एक पिकनिक पर गए, देयर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल दैट कंटेंट 5 लीटर ऑफ वाटर, यानी उनकी माता ने उनको एक बोतल दी पानी से भरी हुई जिसमें 5 लीटर वाटर था, और विद्या ने पानी पिया 2/5 लीटर, है ना, और प्रताप ने पानी बचा हुआ पानी प्रताप ने पी लिया। अब हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया, यानी 5 का 2/5 उसने पी लिया, यानी 5 लीटर में से 2/5, यानी हाफ पिया होता तो मैं क्या करता, 5 लीटर का हाफ निकाल देता, ठीक है ना, ऐसा करता मैं, लेकिन इसने पिया 5 में 2/5 लीटर, 5 का 2/5 निकाल दो आप, तो आपका आएगा 2 लीटर वाटर उसने पी लिया, ठीक है, 2 लीटर वाटर उसने पी लिया। अब 5 में से 2 लीटर पानी विद्या ने पी लिया, तो बचा हुआ 3 लीटर कौन पिएगा, प्रताप पिएगा, यानी ये तो विद्या ड्रिंक वाटर है, विद्या ने पानी पिया इतने लीटर, प्रताप ड्रिंक वाटर 5 - 2 = 3 लीटर, ठीक है ना, यानी ये हो गया मेरा, ठीक है। अब नीचे दे रखा है इसने, व्हाट फ्रैक्शन द टोटल क्वालिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, यानी इसने पूछा है कि फ्रैक्शन में उसने कितना पिया, जैसे फ्रैक्शन में मैंने प्रताप ने पानी पिया, मतलब पानी प्रताप ने पिया 3 लीटर, वो नंबर में तो निकाल दिया, लेकिन फ्रैक्शन में मैंने नहीं निकाला, फ्रैक्शन में विद्या का दे रखा है अपने को 2/5, ठीक है ना, 2/5 उसने पी लिया, लेकिन प्रताप ने कितना पिया फ्रैक्शन का। अब मैं बोल दूँ, मैंने कल भी बताया था कि अगर कोई चीज़ अपने आप में कंप्लीट है तो वो पूरी 1 होगी, ठीक है ना, तो पानी पूरी बोतल पानी की 1 मानूंगा, पूरा पार्ट उसका 1 है ना, 1 में से 2/5 किसने पी लिया, ये पी लिया उसने विद्या ने, ठीक है ना। अब 1 में से मैं 2/5 विद्या वाला निकाल दूंगा तो प्रताप वाला बचेगा, यानी प्रताप ड्रिंक वाटर इन फ्रैक्शन, तो मैं इसका एलसीएम लूँगा, इसके नीचे 1 लगा लूँगा, यहाँ मेरा 5 आएगा माइनस, यहाँ मेरा 2 आएगा, तो 3/5 फ्रैक्शन बचेगी मेरी, जो प्रताप ने फ्रैक्शन में पानी पिया है, ठीक है, ये मेरा हो गया प्रताप वाला, ठीक है। और फ्रैक्शन बड़ी कौन सी है, तो फ्रैक्शन बड़ी ये वाली है, ठीक है ना, फ्रैक्शन बड़ी प्रताप वाली, क्योंकि वैसे ही दिख रहा है 3 लीटर पानी प्रताप ने ज़्यादा पिया है, यानी 3 लीटर पानी है उसका 2 लीटर पानी है, तो फ्रैक्शन कौन सी बड़ी है, प्रताप वाली, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, और यानी ये जो 2.2 ऐसे अपने कंप्लीट किया, इसमें मैंने जितने भी जैसे अपने 2.2 में टोटल क्वेश्चन है 8, ठीक है, तो मैंने एक एक क्वेश्चन आपको हर एक क्वेश्चन के करवा दिए, ठीक है ना, बाकी बिल्कुल सिंपल, उसमें कुछ नहीं करना, ऐसे ही 2.3 अपनी, तो ये तो अपने कल कर लेंगे, तो आज की वीडियो में अपने 2.2 आपको मैंने करवा दी, और अब आप अपनी फेयर नोटबुक में कर लेना, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।